हे गाइज, आई एम बैक. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वाइल्ड ट्रैवलर अभिषेक. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. आज की डेट है 10th August 2020 और सुबह के अभी बजे है 5:45. गाइज, आज फाइनली मुझे आपको बताने को बहुत खुशी हो रही है, हम लोग आज जा रहे हैं राइड पे. यस, एक वेरी शॉर्ट एंड सिंपल राइड पे हम लोग जा रहे हैं, जो कि हमने प्लान की है कोंडाना केव्स, जो कि है कर्जत में. जैसे कि आपको पता है, अभी बाहर अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे खुल रही है. लोग भी अभी अच्छे से बाहर आ रहे हैं, बट उसमें भी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, बट ऑब्वियस. तो गाइज, मैं जा रहा हूँ मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ. सिर्फ 2 लोग हैं और उसमें से एक का भाई आ रहा है, तो हम लोग टोटल मिला के 4 जन हैं जो जा रहे हैं आज. हम लोग जानबूझ के लिमिटेड लोग ही जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जाके हमें भीड़भाड़ नहीं करनी है. तो वी आर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस कि किसी भी जगह पे जाके भीड़भाड़ ना करें, किसी को परेशान ना करें. भाई सच बोलूँ ना आपको, आज मैं बता नहीं सकता, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि खुशी की लेवल जो है आज यहाँ पे है, यहाँ पे. क्योंकि इतने दिनों के बाद हम लोग बाइक राइड पे जा रहे हैं, कहीं तो अच्छी जगह पे विजिट करने जा रहे हैं. 3 महीने की बोरिंग लाइफ के बाद थोड़ा बहुत तो फ्रेश होके आएंगे. मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो साथ में आने वाले हैं, वो गोरेगांव में दिंडोशी के ब्रिज के आगे रुकने वाले एक बस स्टॉप के यहाँ पे, तो मुझे अभी उनको मिलने जाना है. तो वहाँ से फिर हम लोग 4 जन मिल के आगे कंटिन्यू करेंगे. एंड आपको एक शॉर्ट में बता दूँ, कोंडाना केव्स जो है वो कर्जत में है. कर्जत में एक कोंडिवडे विलेज है, वहाँ पे कोंडाना केव्स है. बाकी सब डिटेल्स मैं आपको उधर पहुँच के देता हूँ. अभी पहले तो निकलता हूँ जल्दी जल्दी, फिर ऑन द वे हम लोग जो भी दिखेगा, जैसे भी होगा, बात करते रहेंगे. ठीक है, चलो. पनवेल बहुत गड़बड़ी हो गई, थोड़ा रोड ढूंढते ढूंढते थोड़ा लेट हो गया, बट पनवेल तक पहुंच गए अभी. अभी सबको भूख लगी है, तो हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं. टूट पड़ रहे हैं अभी सब लोग. वैसे ऐसे ज़्यादा होटल्स तो चालू नहीं है, बट थोड़े थोड़े स्टॉल्स चालू है, तो उस पर ही अपन पेट भर लेंगे. अभी सब ने वड़ा पाव लिया है, वड़ा पाव खा रहे. ये मेरा दोस्त पराग, उसका भाई प्रफुल एंड अनीस, हमारा भाई. तो अभी हम 4 ही जन है, तो हो गया. अभी यहाँ से कुछ 38 किलोमीटर बाकी है, एक पौना घंटा तो लग जाएगा यहाँ से. अभी पहले खा लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है, पेट भर जाएगा, बाद में आराम से चले जाएंगे फट. गाइस, वड़ा पाव खा के हो गया और हम लोग को भूख और लगी है, तो हमने वहीं मिसल पाव ले लिया. 2 मिसल पाव लिए हैं और खा रहे हैं अभी, देखते हैं टेस्ट कैसा है. Nice. बहुत अच्छा है मिसल पाव, टेस्ट बहुत अच्छा है. क्या है, सुबह से घर पे कुछ खाया नहीं था, तो अभी बहुत भूख लग गई. ये मेरे दोनों दोस्त
की दो बाइक, उनके नाम है कालू लालू, बड़े प्यारे नाम रखे हैं दोनों ने। और लालू कालू दोनों साथ में चल रहे हैं, फिक्स स्पीड पे चल रहे हैं, ज़्यादा तेज भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं, एक यूनिक स्पीड मेंटेन कर रहे हैं अराउंड 45 to 60। क्योंकि ऐसे माहौल में तेज चला के मतलब भी नहीं है और वो रिस्की भी है, तो एक नॉर्मल स्पीड में जो कि 45 से 60 है ये स्पीड में ही चलाओ तो बेहतर है। ऐसे माहौल का मज़ा भी उठा सकते हैं आराम से जाते जाते, और कोई खतरा भी नहीं। वाओ, फ्रेम देखो गाइस, फ्रेम देखो, पूरी झाड़ियों से ढका हुआ ये रोड है। माय गॉड, क्या फॉग है ऊपर। इट्स नॉट फॉग एक्चुअली, क्या बादल जमे हैं वो देखो वहां पे। वाओ, यही देखने के लिए तरस रहे थे यार। अभी हम लोग हमारे लोकेशन के काफ़ी करीब है, ओनली 15 to 16 किलोमीटर्स सिर्फ। ना यार, ये रोड पे बहुत स्पीड ब्रेकर्स है, ये देखो कितने जगह जगह पे है। क्या ये रोड थोड़ा गांव से होके जा रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा है, ठीक है मैनेज कर लेंगे अभी क्या है, बट रोड बहुत प्यारा है। ऐसे रोड पे ड्राइव करना मतलब इट्स अ ट्रीट। बस इतना ही कि बारिश में हमेशा संभाल के चलो, स्पेशली ऐसे टर्न्स पे। भाई ये गांव तो बहुत प्यारा है यार सच्ची में। ये जो हमारे राइट साइड में आपको रिवर दिख रही है, नदी दिख रही है, इसको उल्लास रिवर बोलते हैं, उल्लास रिवर नाम है इसका। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से ही पुराने ज़माने में सब कारोबार होता था यहाँ से। भाई नदी का पानी इतना ताज़ा है ना, ऐसा लग रहा है फिर से जाके नहा लो। घर से तो नहा के निकले हैं हम लोग सब लोग, बट भाई ऐसे पानी में नहाना मतलब रिफ्रेशमेंट टोटली। सेम वैसे ही नज़ारे बार बार दिख रहे हैं हमें, पहाड़ को तो जैसे पूरा बोलते ना बादलों की चद्दर छाई हुई है पहाड़ों पे पूरी। और फ्रेंड्स इसीलिए मैं बार बार कहते रहता हूँ मेरे हर ब्लॉग के एंड में, प्लीज टेक केयर ऑफ योर नेचर ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यार जब हमको नेचर की ऐसी खूबसूरती देख के मज़ा आता है ना, तो ये खूबसूरती हम ऐसे ही टिका के रखें ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे आकर अगर हम लोग ऐसे कचरा वगैरह कुछ डाल के रखेंगे, ख़राब करेंगे इधर का ऐसा एरिया, तो यार ऑब्वियसली हम लोग को भी नेचर से जो रिटर्न में मिलेगा वो ख़तरनाक ही होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग कोंडाने विलेज में पहुंच गए, बट एक बैड न्यूज़ है, यहाँ पे आके हमारा बहुत बड़ा पोपड़ हो गया। एक गांव वाले अंकल ने हमें रोक लिया और बताया कि केव्स पे नहीं जाने दे रहे, फिर भी हमने ट्राई किया, उनको बहुत मनाया कि हम लोग बहुत दूर से आए जाने दो करके, बट वो नहीं माने क्योंकि गवर्नमेंट ने भी उनको बोला है, कुछ कर नहीं सकते, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जो रूल्स है उनका। पर ठीक है, यहाँ पे आते आते जो हम लोग ने एंजॉयमेंट की है वो भी कुछ कम नहीं है। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो इतना बढ़िया व्यू है, इसी गांव में है हम लोग जहाँ पे कोंडाना केव्स है। मेरे राइट साइड में जो रोड गया है वहीं से एक हाफ किलोमीटर पे ही था कोंडाना केव्स का एंट्रेंस। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो भाई केव्स पे नहीं जाने दे रहे तो एटलीस्ट थकान भगा देते, नदी में थोड़ा नहा लेते, अच्छे से फ्रेश हो जाते। गाड़ी पार्क किए साइड में हमने और अभी वहाँ पे ही जा रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लेते, एटलीस्ट आके कुछ तो एंजॉयमेंट करेंगे और फिर बाद में निकल जाएंगे। पानी देखो बहता हुआ पानी कितना क्लीन है, आपको करीब से दिखाता हूँ, देख लो एक बार।
ये देखो ऊपर से एक व्यू देख लो, वैसे गांव बहुत खूबसूरत है। ये मेरे दोस्त कपड़े चेंज करके रेडी है, नहाने की तैयारी में है। गाइज आई एम बैक टू होम नाउ। और मैंने आते वक्त कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि वैसे कुछ था भी नहीं शूट करने को, और देखा जाए तो थोड़ा मूड ऑफ था, केव्स भी जाने नहीं मिला इसलिए। बट हमारी एंजॉयमेंट में तो कोई कमी नहीं थी, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए हमें वहाँ पे क्योंकि हम लोग नदी के पानी में नहा रहे थे, तो हम लोग ने पहले कुछ फोटो सेशन किया और उसके बाद सब लोग के मोबाइल हम लोग ने बैग में रख दिए। कैसा है कि अभी भले बाहर सब अनलॉक हो चुका है पर फिर भी गवर्नमेंट ने अभी तक फोर्ट्स वगैरह जो है उनको खुलने का अभी तक परमिशन नहीं दिया है, और ये केव्स वगैरह जो है वो फोर्ट्स में ही काउंट होते हैं। एंड गाइस भले ये प्लान हमारा अभी के लिए फेल हो गया, बट नेक्स्ट टाइम फिर से ज़रूर प्लान करूंगा मैं यहाँ जाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी प्लेस है कोंडाना केव्स। इट्स अ बुद्धिस्ट केव्स जो कि मुझे एक्सप्लोर करनी थी, बट अभी हम तभी प्लान करेंगे यहाँ पे जाने के लिए जब प्रॉपरली सब रिस्ट्रिक्शंस निकल जाएंगे जो भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं। एंड एक्चुअली बताऊँ तो हमारे माइंड में ना दो तीन प्लेसेस थी, उसमें से स्पेशली दो हम लोग ने जो फाइनल की थी वो थी ये कोंडाना केव्स और दूसरा था भावली डैम जो कि है इगतपुरी में। क्या है ना कि हम लोग जब लास्ट टाइम भंडारदरा गए थे, भंडारदरा का ट्रिप किया था हम लोगों ने ऑफिस फ्रेंड के साथ, तब भी हम लोग आते वक्त उसी रोड से आए थे, भावली डैम होके ही आए थे। तो इसलिए दोस्त ने कहा कि चल यार फिर से सेम रोड है तो कुछ अलग कर लेते हैं, इसलिए हम लोग ने कोंडाना केव्स फाइनल किया। बड़ी दर हमारा पोपट हो गया, बट कोई नहीं यार, होता है ऐसा। मतलब हर प्लान आपकी सक्सेस हो ही, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा होता है लाइफ में बहुत बार, तो हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ ऐसा बोल के मूव ऑन करो हमेशा। तो अब इसी के साथ इतना ही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो। वैसे हम लोग ने तो बहुत एंजॉय किया, बट आई नो आपके लिए ये एक सिंपल शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया, आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया, आई नो दैट। बट फिर भी ये कहूँगा कि अगर ज़रा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक करो ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। तो चलो इसी के साथ वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम और कहीं प्लान करेंगे तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए टेक केयर गाइज, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर नेचर एंड एन्जॉय योर लाइफ। आई एम वाइल्ड ट्रैवलर अभिषेक, साइनिंग ऑफ नाउ, गुड बाय।